का वोट? नून लीग का। नून लीग को वोट देने की कोई खास वजह? और क्या जी? कौन सा काम? यार ये मेट्रो निकाला है, ठीक है। अच्छा, और स्कूल में सहूलत दी है। कैसी सहूलत? स्टूडेंट को लैपटॉप दिए है। क्या दिए? लैपटॉप। क्या दिए? लैपटॉप। लैपटॉप दिए। ये आखना बदबू, ये आखना सही। पहले उसने कभी किसी नौशी में अभी तक बोला नहीं बोला है। उसको आता जो नहीं क्या? उसको आता जो नहीं है कहना दुबई या कहना साइन। अच्छा, नवाज शरीफ को नहीं आता? नहीं आता है। आ जाओ इधर आ। सुना आपने? में चूड़ा इमरान जान चूड़ा है। क्या? तुम अपनी शक्ल देखो। मैंने मैं बात कर रहे हैं, लड़ने बात नहीं है। नहीं नहीं, लड़ना नहीं है, लड़ना। इमरान खान को हम इसलिए वोट दे रहे। अब बोलो क्या बोलते। कभी नवाज शरीफ या मरियम नवाज ने कभी ऐसा बात किया हुआ है स्टेज पे? अभी तक नहीं किया हुआ। बाहर मुल्क गया हुआ, इसी तरह बात नहीं किया हुआ है। पहले उसने ये कहा कि हमारा दीन हमको बहुत मतलब अजीज है, अजीज है, प्यारा है, शेर है, शेर। अच्छा हाँ जी, क्या किया उसने? उसने कुछ चुप बोलते वो किया या? सारा नवाज भी अच्छा है। नवाज, मरियम नवाज जिंदाबाद। किस वजह से मरियम नवाज के साथ? अगर भाई इमरान खान तो अच्छा है मिसाल, मरियम नवाज तो हमारे लिए अच्छा है भाई। मरियम नवाज को क्यों सपोर्ट? लेडीज है भाई, वो लेडीज है। नहीं नहीं अच्छा, वो अच्छा है भाई, लेडीज की इज्जत करते हैं। हाँ इज्जत कर रहा है माशाल्लाह। हाँ अच्छा चीज है, अच्छा है भाई वो हमारे लिए भाई। वोट तो इमरान खान का है, वैसे तो वोट तो इमरान खान को दे रहा है भाई। अच्छा, वोट इमरान खान को? हाँ वोट इमरान खान को। मरियम मिसाल वो मरियम नवाज को सपोर्ट करेगा, इमरान खान को वोट देगा? अभी तक तो नहीं सोचा। मोहतरमा वोट नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ? हाँ जी, लेकिन ना हमारे घर में ना गैस है, ना बिजली है, ना कोई चीज़ है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, एक अंडा भी लेकर नहीं हम बच्चों को खिला सकते। बच्चों की इतनी वीकनेस हो गई है कि उनको कोई चीज़ खिलाएंगे तो कोई ताकत होगी ना। और सारे ये पढ़ाई के लिए सिलसिले ये सब बंद हो रहे हैं, बार बार छुट्टियाँ दे रही हैं, कोई काम भी अच्छा नहीं हो रहा इन बच्चों के लिए। कोई नवाज शरीफ को वोट कास्ट करने की खास वजह? उनका कोई काम बताए? नहीं हमने ये नहीं पता। पहले उनकी वजह से ना घरों में लाइटें नहीं जाती थी, बिजली गैस ये सब कुछ होता था। अब अंडा 40 रुपए का हो गया, बच्चों को क्या खिलाएं? इतनी तो इनकी सैलरी भी नहीं है जो हम वो खिलाएं। अंडा 40 रुपए का इमरान खान ने तो नहीं किया? नहीं किया, इमरान खान ने किया है। जाहिर सी बात है उन्होंने ही महंगाई की है, और किसने किया है? इमरान खान तो जेल में पड़े हैं, उन्होंने कैसे कर दिया? तो हमें तो नहीं पता ना, पहले वही खड़े थे ना इस जगह पे। चलें ठीक है, वोट किसके है जनाब? वोट हमारा नून लीग। नून लीग का है? नून लीग को वोट कास्ट करने की कोई खास वजह? नून लीग काफ़ी टाइम से चल रही है। अच्छा, और क्या किया उन्होंने? नून लीग ने अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन पहले जो करते रहे हैं बहुत अच्छा करते रहे हैं। सही, मतलब पहले क्या किया उन्होंने? पहले जिस तरह की मेट्रो का मंसूबा बनाया इन्होंने, उसके बाद रोज़गार सबसे मेन चीज़ थी, रोज़गार था, महंगाई नहीं थी नून लीग के उस दौर में। अभी जो है देख लें आप, महंगाई कहाँ पे है? अरूज पे है। लेकिन अभी तो खान साहब जेल में है, हुकूमत भी नहीं है उनके पास। देखें खान साहब तो ने तो जो काम करना था वो कर दिया खान साहब ने। क्या काम कर दिया? महंगाई देखें कहाँ आ गई। जब नून लीग का दौर था पेट्रोल 83 था, आज जब घी जो है वो 160 था, अब 540-560 है। चीनी देख लें आप 55 थी, आटा 55 था, अब आप देख लें 160-140-170। अच्छा, जब खान साहब की हुकूमत थी तब तो पेट्रोल की कीमत 1.5-2 साल उन्होंने 150 पे ही रखी है, काबू करके अगर रखी है। लेकिन अगर 1.5-2 साल उन्होंने कंट्रोल करके रखी है उस वक्त, तो उसके बाद उन्होंने कसर भी तो पूरी की है ना, जो उन्होंने मुआहदा किया हुआ था उसके बाद उसे पूरा भी तो किया है ना उन्होंने। उनका जो मुआहदा था वो बाद में पूरा तो करना था ना दूसरी हुकूमत ने। उनकी हुकूमत जाने के बाद जो मौजूदा हुकूमत आई है उसने वो मुआहदा पूरा किया ना, मुआहदा जो है वो तो पूरा करना ही करना है। मतलब इमरान खान के जाने के बाद जो पेट्रोल की कीमत से में बढ़ाई हुई है वो खान साहब के मुआहदे की वजह से हुई है? वो बिल्कुल उनके मुआहदे की वजह करके बढ़ी है। नहीं तो देखें आप पिछला जो दौर था उसमें पेट्रोल की एवरेज देख लें, जब तक ये तहरीक इंसाफ नहीं आई थी उससे पहले भी ये पाकिस्तान चल रहा था, वही पुराना पाकिस्तान था, अब भी वही पाकिस्तान है। उस वक्त क्यों नहीं ये महंगाई थी? उस वक्त क्यों गुर्बत थी इतनी? गुर्बत है पाकिस्तान में, पाकिस्तान गरीब मुल्कों में शुमार होता है, उस वक्त क्यों नहीं थी ये सब चीज़ें? आप कुछ कहना चाहेंगे? यार इमरान खान ने जो तब्दीली का नारा लगाया था, कहाँ है वो तब्दीली और किस चीज़ की तब्दीली है बताएं मुझे? गरीब आदमी तो भूख से मर रहा है, कहाँ गई वो तब्दीली?
किस चीज़ की तब्दीली लेके आए हैं खान साहब? खान साहब तो जाके बैठ गए अंदर, जो वो अपनी मर्जी से जाके बैठे हैं जेल में आप? नहीं, वो अपनी गलती से जाके बैठे हैं। क्या गलती की? गलती उन जिस तरह ये कहते हैं कि वो चोर है, जरदारी खा गया, नवाज शरीफ खा गया, अब ये भी खा गए और चादर खींच के ये भी अंदर बैठ गए हैं। जवाब दे ना ये भी आके। वोट किसको दे रहे हो? इमरान खान को। अच्छा, कोई खास वजह? हाँ जी, हमारा लीडर है वो। अच्छा, क्या किया उसने? इन चोरों से बचाया हमें उसने। किन चोरों से? यही शेर वाले। अच्छा, चोर तो वापस आ गए हैं फिर सारे। हाँ, ये फिर कौन से चोरों को भगाया उसने? अब वो चोर भाग जाएंगे ना, क्योंकि वो वोटों में आ रहा है वो भी। इमरान खान साहब को चाहिए था, अगर किसी के साथ हुकूमत को लेके चलना है ना तो सबको साथ लेके चले। ऐसा होता है हुकूमत, आपने अगर हुकूमत चलानी है तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। इमरान खान साहब ने सबको पीछे छोड़ दिया, खुद आगे चलने लग गए हैं और जो है ना उस आज वो जेल में बैठे हैं। वोट किसके जनाब? इमरान खान। खान साहब को वोट कास्ट करने की कोई खास वजह? वजह है, वो सही बंदे है, सही बंदे है, वो उसका दे देगा। अच्छा, सही बंदे है? हाँ, सही बंदे। तो बाकी सब गलत है? बस सारा चोर है, चोर। बस पसंद करते हैं उसको। क्या पसंद करते हैं उसको? उसको दिलेर है वो, उनकी तरह थोड़ी है जो भाग जाता है मुझसे। जेल में बैठा हुआ है वो, जेल में बैठ के वो कह रहा भी घबराना नहीं। उन्होंने भी मेट्रो बनाई है, पुलें बनाई है। मेट्रो पुलें बनाई है तो ये क्या इसमें? वो खाया भी तो है ना उन्होंने, ये देखो ना, खाया भी है उन्होंने, जितना लगाया उतना ज़्यादा खा लिया उन्होंने। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान को। अच्छा, खान साहब को वोट देने की कोई खास वजह? देगा खान साहब को, देगा। कोई वजह? बस वो हमारा लीडर है भाई। क्या किया उसने? पूरा मुल्क को बचाया। क्या किया, क्या क्या बताए उसके बारे में? किससे बचाया है? अंग्रेजों से बचाया है। अंग्रेजों से बचाया? कैसे बचाया? चोरों से बचाया है। वोट किसका है? इमरान खान। पीटीआई का। पीटीआई को वोट देने की? इमरान खान को देंगे। अच्छा आदमी था यार, साफ बात करे था इनके खिलाफ। किन के खिलाफ? इन्हीं के जरदारी और इसके नवाज शरीफ के खिलाफ। वोट किसको दे रहे हो? नून लीग को। वोट किसका जनाब? शेर को, इंशाल्लाह शेर। शेर को वोट कास्ट करने की कोई खास वजह? भाई टाइम आने पर बताएंगे इंशाल्लाह, जैसे इलेक्शन जीत जाएंगे ना आपको सबको पता लग जाएगा। मतलब उसने क्या किया है? बहुत कुछ किया है, वो आपको टाइम आने पर भी बता देंगे कि हमने क्या कुछ किया और आगे भी क्या करेंगे इंशाल्लाह, वो आपको पता लग जाएगा। चलें, कोई उनका एक काम बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम ही अच्छे हैं, किसी आवाम को भुक्का नहीं मारा हमने। ये सही कह रहे हैं भाई? भाई ये ठीक कह रहे होंगे भाई। नवाज शरीफ ने। और मेट्रो किसकी बनाई है? लॉकडाउन भी हमने नहीं लगवाया, वो भी आपकी हुकूमत ने लगवाया। कोई ऐसा काम बताओ जिसमें सरिया, बजरी और सीमेंट न लगाओ? इनसे कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। पहले सबसे बड़ी बात होती है आवाम खुश करना, आवाम खुश तो वजीर आजम खुश, बस यही कहेंगे हम तो। तीन चीजों से आवाम को खुश किया? नहीं नहीं, सब चीजों से ही आवाम खुश है। स्कीम भी चली पड़ी है, वो भी बता दो। कौन सी स्कीम? 20,000 वाली चली पड़ी है स्कीम। वो कौन सी स्कीम है? मुझे तो नहीं पता क्या हो चले। आप व्हाट्सएप पर आई पड़ी है, ग्रुपों में भी आई पड़ी है। 20,000 रुपए आपके हो गए हासिल, आप आके आईडी कार्ड दें और ये वो नाम लेके अपने ले जाएं 20,000। पीटीआई वाले? हाँ जी, पीटी वाले ने बोला। एब्सोल्युटली नॉट, हमारा प्यार मोहब्बत है उसके साथ। वोट इंशाल्लाह इमरान खान का। खास वजह खान साहब को वोट देने की? वजह तो यही है, आप कभी बलूचिस्तान आके ना, वहाँ आपको पता चला गया कि इमरान खान ने क्या क्या काम किए हैं। क्या किया? चलो आप बता दें। वहाँ पर इज्जतें लूटनी थी वहाँ पर लोगों की, आपको पता है ये जो पिछली हुकूमतें ने इस तरह की है, घरों घरें तबाह हुए गरीब आवाम की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से इमरान खान आया उनकी घरें दोबारा आबाद हुए। इमरान खान का सर? खान साहब को? खान साहब को सर। खास वजह? सर हम दे उसको रहे हैं तो उसी के छोटा बड़ा वोट दोनों उसी को देंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े गुंडे का, जिसके ऊपर 200 पर्चे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, पीटीआई। किसको दे रहे हैं? अभी तक कोई माइंड नहीं है। किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह शेर को देंगे। शेर को वोट कास्ट करने की कोई खास वजह? बस शुरू से मोहब्बत भी है, एक दिलचस्पी भी है। कैसी दिलचस्पी? बस बचपन से बड़ों के, हमारी बड़े भी हमारे, हम भी उनके साथ साथ चलते हैं। बड़ों ने उनको दिया तो फिर आप भी उनको दे। हाँ जी, बस यही सोच रहे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। टीएलपी। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। वोट किसका जनाब? वोट तो खान साहब के सर। खान साहब का? खान सर। क्या वजह है खान साहब को वोट देने? यार असल में जो खान साहब की सोच है वो एक खान की सोच नहीं है, वो सब की सोच है। मैं भी पठान है, खान साहब भी पठान है। वोट किसका है? इमरान खान का। इमरान खान को वोट देने की कोई खास वजह? बस मैं उसका ही फैन हूँ। उसका फैन है? क्या किया उसने? बहुत कुछ किया है। क्या? मैं नहीं बताना चाहता बस।
यार बता दें क्या होता है। अच्छा मुझे अभी वीडियो बनाने दे, मैं वीडियो बना रहा हूं। इधर आ इधर। बेनजीर बेनजीर आपका वोट किसे? इमरान खान। नवाज शरीफ। क्या किया? वो रोड बनवाए हैं उसने। अच्छा गाड़ियां अपनी जेब से पैसे लगाए। क्या उसने कौन सा अपनी जेब से पैसे लगाए? अम्मा सही सही सही। इमरान खान इंशाल्लाह ताला। इमरान खान। नहीं नहीं आप सही। इमरान खान। इमरान खान को जी वोट किसका? इमरान खान का। बलूचिस्तान से हम ताल्लुक रखते हैं, जिला लोरालाई से। वोट किसका जनाब? वोट तो हम इस बार नहीं डालेंगे, पहले मैंने आपसे कहा था कि हम डालेंगे, लेकिन हमारे वहाँ हालात ख़राब है ना। धरना आया था बलूचिस्तान में बैठे थे, हुकूमत ने हमें इग्नोर किया है। इस्लामाबाद में हमें कोई नहीं सुन रहा है, हमारी मसाइल और हमारी सिर्फ वसाइल को देख रहा है हुकूमत। अगर हमारी मसाइल की बात आ जाए तो हमें इग्नोर करते, लेकिन जब हमारे वसाइल की बात आ जाते तो हमारे वसाइल पर काबिज़ है। कल भी क्वेटा से एक हमारे एक्टर है ना, वो क्या नाम है उसका, वो बलोच थे, वो लापता हो गए, फिर जब हमने देख लिया वो मरी हुई पड़ी थी। अच्छा क्या नाम है जो मरी हुई पड़ी थी? वो हमारा एक डांसर है, अभी नाम मुझसे बुला हुआ है ना। यानी कि हमारे रोज़ का मामला ये लोगों का गुम होना, लोगों का कंडम करना, यार रोज़ का ये मामला होता रहता है। क्योंकि जब हम हक नहीं बोलते, जब बोले थे फिर कोई ना कोई हमें उठा करके मार देते, या हमारे माओं बहनों की नंगी वीडियो आ जाती है। इस वजह से हमारी हुकूमत आने वाले इंतखाबात में हमारी दिलचस्पी नहीं है। मतलब आप बहुत ही गमजदा हैं और सारे इलाका गमजदा है ना। अभी आप जाओ यहाँ सिबी, डाडर, डालबंदिन, यहाँ पंजगोर, खारान, मकरान, लसबेला, ये इलाके में अगर आपने ये बयान दे दिया कि हमारे वसाइल पर लोगों का कब्ज़ा है, वो कहते हैं आप टेररिस्ट हो। हमें इस वजह से ये लोग तंग कर रहे हैं ना, वरना हमारे ये हुकूमत ये जिस तरह 1971 में बंगाल छुटा हुआ था, हमें आ रहा है ये नज़र। अब जब हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पर मारंगाई से चली गई है, वो लोगों ने मायूस कर दिया है, लोगों को मायूस होने की वजह से वो मायूस हो गए चली गई ना। आप वहाँ पर देखो उस किस तरह इस्तकबाल हो रहे थे, वो इस वजह से कि यहाँ की मायूसी ने वो सब आवाम को जगा लिया। अगर हम लोग बलूचिस्तान वाले 100 साल 70 साल कंपेन कर लेना, लोगों को इस तरह नहीं जगा सकते थे जिस तरह हुकूमत की मायूसी ने लोगों को जगा दिया। इस वजह से वरना वोट तो इंतखाबात होते रहते हैं, दुनिया के हर ममालिक में इंतखाबात होते हैं कानूनी तौर पर, लेकिन यहाँ पर कानून कैसे रातों रात पार्टी बन जाते, फिर अगले सुबह वो जीत जाते, फिर वो हुकूमत में आ जाते, फिर उसकी वजारतें हो जाते। हमारे हुकूमत यहाँ पर खुद न बनती थी न बनाई गई, इस्टेब्लिशमेंट बनाते चाहे वो पार्टी को एक दिन बना लेते, दूसरे दिन उसको फिर हुकूमत से ठप दे देते, कंट्रोल करवा लेते उसे सारा मुल्क। इस वजह से हमारे बलूचिस्तान वालों को इग्नोर करते। ये आपकी शुक्रिया है कि आपने हमें टाइम दिया ना, आपकी तसलसल से इंशाल्लाह ताला ये मिस नहीं करना है वीडियो ना। ठीक है मेहरबानी।